नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 9 सदाचार के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि सदाचार किसे कहते हैं, सदाचारी व्यक्ति की क्या पहचान होती है, किस प्रकार के गुण अपनाकर हम सदाचार व्यक्ति बन सकते हैं। बच्चों, यह सब हम पाठ के पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। पाठ के इस भाग में हम सदाचार पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि पाठ की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि सदाचार किसे कहा जाता है। आइए देखिए, समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारे समाज में नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुकूल जो हम कार्य करते हैं, वह सदाचार कहलाता है। और जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है, वह सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। विपत्ति में क्या करना चाहिए। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विपत्ति में क्या करना चाहिए। बच्चों, आप सभी सदाचारी बालक बन चुके हैं, तो आप ही बताएंगे कि विपत्ति में क्या करना चाहिए। एक सदाचारी बालक को देखिए, विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। सद्गुण से क्या तात्पर्य है। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सद्गुण किसे कहा जाता है, सद्गुण का क्या अर्थ है। देखिए, व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। हाँ बच्चों, हमारे व्यवहार में अच्छे जो गुण होते हैं, उन्हें हम सद्गुण कहते हैं। देखिए आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, इसमें आपके सामने एक पंक्ति है, जिसमें कि यहाँ पर रिक्त स्थान है। आपको क्या करना है, यह रिक्त स्थान भरना है। बच्चों, यह जो पंक्ति है, यह आपके पाठ से ही ली गई है। आप जब इस पंक्ति को पूरा पढ़ेंगे, तब आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, पढ़ते हैं। मनुष्य एक है, क्या है, समाज में रहकर वह कई तरह के कार्य करता है। बच्चों, आपने पंक्ति पूरी पढ़ ली है, आपको याद आ रहा होगा कि यह हमारी पाठ की पहली पंक्ति है, जिसमें लिखा हुआ था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है। बच्चों, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने एक प्रश्न है, उससे संबंधित चार विकल्प हैं। उन चार विकल्पों में से आपको उत्तर ढूंढना है, उत्तर ढूंढकर यहाँ कोष्ठक में लिखना है। देखिए, हल करते हैं। उत्तम व्यक्ति के गुण हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तम व्यक्ति के कौन कौन से गुण हैं। देखिए, गुरुजनों का आदर करना। क्या उत्तम व्यक्ति गुरुजनों का आदर करता है। हाँ बच्चों, करता है, तो यह भी हमारा उत्तर हो सकता है। फिर देखते हैं, मधुर वचन बोलना। उत्तम जो व्यक्ति होता है, उसे मधुर वचन बोलना चाहिए। हाँ बच्चों, उत्तम व्यक्ति को मधुर वचन भी बोलने चाहिए। विनम्र रहना, जो उत्तम व्यक्ति होता है, वह सबसे विनम्र रहता है। बच्चों, ये तीनों इसके उत्तर हो सकते हैं। चौथा देखते हैं, उपर्युक्त सभी। बच्चों, ये जो उपर्युक्त सभी है, इसका अर्थ है कि ये जो तीन विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, ये तीनों इसके उत्तर हैं। तो हम इन तीन विकल्पों को एक साथ उत्तर में तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम यह चौथा है जो विकल्प, जिसमें कि लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, वह हमारे उत्तर में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे घ। बढ़ते हैं आगे। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कैसी वाली तपस्या है। खंड नहीं बच्चों, व्यवहारिक नहीं बच्चों, अखंड। हाँ बच्चों, सत्य बोलना एक अखंड तपस्या है, और असत्य इसका उत्तर हो नहीं सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे कि हम पहचान सकते हैं कि जो वो व्यक्ति है वह सदाचारी है। देखिए, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। बच्चों, अच्छा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपने व्यवहार से आपको बता देगा कि वह सदाचारी है। देखिए, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि सदाचारी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए, सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर वचन बोलना जैसे गुण होते हैं। बच्चों, आज से आप भी सदाचारी बालक हैं तो ये सारे के सारे गुण अब आपके अंदर भी देखने को मिलेंगे, है ना बच्चों? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सदाचारी व्यक्ति के सामने बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं, फिर भी वह विचलित क्यों नहीं होता है? देखिए इसका उत्तर, अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, यानी कि वह घबराता नहीं है। सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि जो सदाचारी व्यक्ति है वह हर तरह से सफल होता है। सफलता का मार्ग सदाचार बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हम महापुरुषों का अनुकरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श बनाते हैं। ऐसा क्या होता है महापुरुषों की बातों में, महापुरुषों के व्यवहार में कि हम उन्हें अपना आदर्श बना लेते हैं? देखिए, महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है, बल होता है। उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ हिंदी विषय के पाठ 9 सदाचार के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो रोककर भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और अब हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। नमस्कार बच्चों।